हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? अभी बहुत ज़्यादा मौसम चेंज कर रहा है, सुबह में ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रहा है, तो इसकी वजह से मुझे 2 दिन से फीवर टाइप का लग रहा है। और सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है, सुबह क्या दिन में भी थोड़ा सा ठंड लगता है, ऐसा लगता है कि शॉल ओढ़े रहूँ। और 2 दिन पहले तक बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ। एक एक स्वेटर मैं अपना अभी धो करके रखी हूँ, लेकिन एक एक मैं सोच रही हूँ कि निकाल के रख दूँ, होली के बाद ही फिर मैं उसे अंदर रखूँ, क्योंकि कभी ठंड लग रही है, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जुकाम भी हो गया, खांसी भी हो गया, हल्का फीवर भी है हो गया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं मशरूम, भूल गई थी राजमा, मुझे याद आ रहा था। तो मशरूम मैं बना रही हूँ, और ये मशरूम जो है वो 3 दिन से ला कर रखा हुआ है ऐसे ही फ्रिज में, और आज इसका मुहूर्त निकला है। एक्चुअली मेरा मूड ही नहीं हो रहा था बनाने का, मुझे आलस आ रहा था, प्लस तबीयत ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा रेसिपी बनाओ जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे। मुझे लग रहा था सादा सादा बना लो, जो जैसे है वैसे ही बना लो। तो यहाँ पे मैं मशरूम को अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद फिर ये मसाला मैं जो मशरूम का बना रही हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, यही सारा है जैसे रेगुलर मैं बनाती हूँ उसी तरह से। और मशरूम थोड़ा मैं पतला पतला काट ले रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है इसकी वजह से। और आज जो है वो कार्तिक को मशरूम बहुत दिन से ला के रखा हुआ भी था, और कार्तिक को खाने का भी मन था, उसका एग्जाम भी था, तो मैं सोची कि चलो बना ही देते हैं, बच्चा खा के जाएगा, लेकर तो नहीं जाता है क्योंकि जल्दी आ जाता है, तो खा करके जाएगा तो ठीक रहेगा, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं जीरा का तड़का लगाई हूँ, कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसकी वजह से जीरा जो है और लाल मिर्च थोड़ा जल गया था। अब बाकी टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं था, टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये जो मसाला है, इसमें से कुछ मैं रख दी थी कि ऐसा मसाला तैयार रहता है तो पनीर भी जल्दी से बन जाता है, या आलू टमाटर की सब्जी भी बन जाती है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बना करके रख दी हूँ। और यहाँ पे मशरूम मैं डाल दी हूँ, और मशरूम डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद फिर ये मसाला तो अच्छे से भून गया ही है, पानी डाल करके और रख देंगे, मतलब पकने देंगे अच्छे से। तब तक कार्तिक के लिए मैं पराठा बना लूँगी, और मैं उतना ही पराठा बनाऊँगी जितना कार्तिक को भी खा करके जाना है। तो ये इसे ढक देंगे हम, और 10 मिनट में मशरूम जो है वो तैयार हो जाएगा। ग्रेवी मुझे लग रहा था कि थोड़ा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और मैं पेस्ट डाल दी हूँ, और यहाँ पे पानी थोड़ा और मैं डाल दी हूँ। और ये जब तक पक रहा है तब तक मैं जो है वो पराठा बना दे रही हूँ कार्दे के लिए, एक तरफ चूल्हे पर। तो ये मशरूम देखिए तैयार हो गया है, और बहुत टेस्टी बना था, मतलब वो जो इसका तड़का जल गया था ना, उससे कोई असर नहीं पड़ा इसमें। और कार्तिक जो है वो खा लिया है ब्रेकफास्ट, और इसे मैं छोड़ने के लिए आई हूँ। घर में अभी सब सो रहे हैं, और मेड जो है वो काम करके निकल गई है, तो यहाँ पे आए हैं छोड़ने। और ये रहा कार्तिक, जो कि अपना यूनिफॉर्म पहन के तैयार है। तो बस भी इसकी आ ही जाती है, तो बस स्टॉप तक छोड़ कर आने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। अभी मैं काट रही थी कटहल, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा काटी थी, और उसके बाद फिर टाइम हो गया था तो मैं फिर वापस से आ कर के काटूँगी। और यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे थे आगे जा कर के, और लोग सारे लोग अपने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब
मतलब सुबह सुबह का टाइम ना भाग दौड़ वाला टाइम रहता है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अपने बस स्टॉप पे रहते हैं, या तो फिर जिनके जिनका स्कूल नज़दीक में उसके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, जो बच्चे मतलब बस से जाते हैं तो वो बस स्टॉप के पास रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आ गई हूँ, और ये कटहल मैं काट करके गई थी, तो फिर वापस आ करके मैं काट ले रही हूँ। और मैं थोड़ा पतला पतला ही काटती हूँ, क्योंकि कटहल ऐसे भी कढ़ाई में पकाइए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, और मुझे कढ़ाई में पका हुआ कटहल ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैं पतला पतला और छोटा छोटा पीस काटती हूँ, ताकि कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो। और यहाँ पे सरसों का तेल डाल के, आयरन की कढ़ाई और सरसों का तेल बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। आयरन की कढ़ाई में कोई भी चीज़ की भुनाई बहुत अच्छे से होती है। एक्चुअली आयरन की कढ़ाई अच्छे से जब गर्म हो जाता है तो ये जो है वो चिपकता नहीं है कोई भी चीज़, और बहुत बढ़िया से भुनता है। और यहाँ पर कटहल को खूब अच्छे से हम फ्राई करेंगे, तो कटहल हमारा जो है वो फ्राई हो गया है। और कटहल की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है ना कि मत पूछिए। और हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है कटहल की सब्जी। तो कटहल की सब्जी जिस तरह से अभी मैं बना रही हूँ, इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो सबको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसमें मैं टमाटर डाल लेती हूँ तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, खा लेते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे वापस से मैं तेल डाल रही हूँ, कटहल आलू और कटहल बना रही हूँ, क्योंकि जिन्हें आलू मतलब कि आलू भी खाना रहता है, क्योंकि आलू भी अच्छा लगता है कटहल के साथ, तो जिन्हें कटहल के साथ आलू पसंद है वो आलू ज़्यादा ले लेंगे, जिन्हें कम पसंद है वो कम लेंगे। और ये प्याज जो है वो लगता है कि 10 दिन पहले से ला करके रखा हुआ है, और इसमें जो है ना वो ये पत्ते निकल आए हैं, और इतना ही प्याज था मेरे पास, तो मैं सोची कि चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो प्याज था, और उसमें अदरक लहसुन मिर्ची और जीरा था, शायद मैं भूल गई। और यहाँ पे फिर जीरा का तड़का लगा करके लाल मिर्च सूखी डाली हूँ, और उसके बाद फिर एक तेज पत्ता डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो मैं पहले फ्राई नहीं की थी, तो इसीलिए कच्चा प्याज है तो फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे जो बनता है वो कमाल का बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, क्योंकि कटहल है तो थोड़ा गरिष्ठ होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हींग डाल दिए हैं। अब प्याज को खूब बढ़िया से फ्राई करेंगे। यहीं पे मैं थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर मैं डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ता हमारे यहाँ बहुत कम यूज होता है, चटनी में ज़्यादा यूज होता है, ऐसे ऊपर से डाल के खाने में किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ खास पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए धनिया पाउडर मैं डाली हूँ। और ये खूब अच्छे से भुन गया है, तो मैं सोची थोड़ा सा और पानी डाल के खूब अच्छे से इसको और भुना जाए, ताकि एकदम जो मज़ेदार टेस्ट आए कटहल का। तो यहाँ जो है थोड़ा सा पानी डाल के और खूब बढ़िया से मैं भून ली हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए कितना बढ़िया से भुना आ गया है, और इसकी खुशबू ना मेरे एकदम नाकों तक पहुँच रही है, इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है इसका, और टेस्ट भी एकदम नेक्स्ट लेवल था। तो यहाँ जो कटहल है का मसाला है वो तैयार हो गया है, अब थोड़ा पानी डाल देंगे। और ये पानी जो डालेंगे ना अब की बार ग्रेवी के लिए डालेंगे, ग्रेवी के हिसाब से कितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डालेंगे। तो कटहल जो है वो पकने में थोड़ा बाकी सब सब्जियों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ पे मैं डाली हूँ किचन किंग मसाला, जो कि बहुत ही कम बचा है, मतलब पैकेट है नहीं, मैं भूल गई थी कि लाना है किचन किंग भी, और इसके जगह पे मैं छोला मसाला और सांभर मसाला ले आई हूँ। हालांकि सांभर मेरे यहाँ कम बहुत कम बनता है, तो सांभर मसाला भी किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसको मैं यूज कर लूँगी दाल वगैरह में डाल करके। तो यहाँ किचन किंग में डाल दी हूँ, और ये जो है वो कटहल का एक बहुत बड़ा पीस था, उसको वापस से मैं ये कर दिया। और उसके बाद फिर अब इसमें नमक डाली हूँ, और नमक डालने के बाद फिर इसे ढक देंगे, थोड़ा और पानी इसमें जाएगा, मैं बाद में थोड़ा और पानी डाल दी थी, क्योंकि इतना में कटहल जो है वो पकेगा नहीं। तो देखिए थोड़ा और पानी गया, और उसके बाद फिर इसको ढक करके आराम से रहने देंगे थोड़ी देर, करीब 10 10 मिनट 10 12 मिनट आराम से पकता है मीडियम फ्लेम पर।
और उसके बाद तब हमारा कटहल जो है वो खूब बढ़िया से तैयार होता है। तो ये देखिए करीब 10-11 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मैं चेक कर ले रही हूँ, कटहल पक तो गए हैं लेकिन थोड़ा सा और लगता है, 3-4 मिनट और पकेंगे ना तो ये कटहल बराबर हो जाएगा, बहुत टेस्टी। और आयरन की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ इसलिए इस जो सब्जी का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, अदरवाइज आप स्टील या लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई नहीं, स्टील या एल्युमिनियम की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में कर रही हूँ, बात तो वही पहुँच गई ना, आयरन बोलिए या इस लोहा बोलिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा कलर रहेगा, बट हेल्थ भी तो देखनी है। उसके बाद फिर मैं दूसरे वाले चूल्हे पे एकदम कम कर कर मैं चढ़ा दी हूँ ताकि उधर वो पकते रहे, इधर हम लोग का नाश्ता बन जाए। तो मेरे और हस्बैंड का नाश्ता यहाँ पे बन रहा है और आज मैं बना रही हूँ पराठा अपने लिए। और ये देखिए कटहल हमारा तैयार हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो इसे अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें और उसके बाद फिर एक आध मिनट, मतलब हाँ एक आध मिनट या 30 सेकंड ऐसे पकाएंगे और उसके बाद फिर बंद कर देंगे। तो कटहल का सब्जी इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ, मेरे यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं, और कटहल के सब्जी के आगे कुछ भी नहीं। तो यहाँ मेरा पराठा जो है वो बन रहा है, इसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ रिफाइंड, क्योंकि ये हम लोग अपने लिए बनाते हैं और अपने लिए जब भी बनाते हैं तो रिफाइंड ही बनाते हैं, मैं बनाते हैं घी में नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है वो करारा करारा सेक करके तैयार है, सब्जी भी उधर तैयार है और हस्बैंड जो है वो कर रहे हैं इंतजार। तो आज हम भी पराठा खाएंगे, क्योंकि बनाते बनाते सब्जी को देख करके हमारा भी मूड हो गया कि पराठा खा ले, तो इसलिए ये सब्जी रहा, उसके बाद फिर मेरा भी पराठा बना है और बाबू का भी पराठा बना है। यहाँ पे जो है लौकी का रायता है। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।